बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नजदीक है। इसके लिए आवश्यक है हम मतदान कर्मियों को कि पूरी जानकारी ईवीएम की और बीच बीच में जो समस्याएं आती हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लें ताकि चुनाव संपन्न कराने में हमें कोई परेशानी। सबसे पहले जरूरी है कि हम ईवीएम मशीन के सभी भागों को, सभी पार्ट को जान लें, सभी पार्ट की जानकारी प्राप्त कर लें। ईवीएम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, वैसे तो सभी पार्ट महत्वपूर्ण है लेकिन यह पार्ट बॉक्स को खोल करके जिस मशीन को हम निकाले हैं ईवीएम के, इस पार्ट को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, सीयू। यह सीयू जो है पहले से कुछ बदला हुआ है, यह 3 सीरीज का है। पहले जो हम लोग उपयोग करते थे वह टेम्पो सीरीज का सीयू था, लेकिन अब यह जो मशीन आ गया है हमारे सामने यह M3 सीरीज का है और इसमें कुछ बदलाव है। जिस बदलाव को हम समझते हैं, इसके पहले इसके दूसरे भाग को हम लोग देख लेते हैं। यह दूसरा पार्ट जिसको सीधा करके हम जैसे बॉक्स को खोलते हैं, बर्थडे को ठीक उसी तरह खोलेंगे और इसको खोलने के बाद इस मशीन को हम निकालेंगे। ईवीएम के इस पार्ट को हम बीयू अर्थात बैलेट यूनिट कहते हैं। बैलेट यूनिट में भी पहले से बदलाव है, उस बदलाव किया गया है, उस बदलाव को भी हम देखेंगे और इसका एक पार्ट ईवीएम का तीसरा पार्ट वीवीपैट, यह भी M3 सीरीज का मशीन है। तीनों पार्ट जो है M3 सीरीज का, इसमें जो बदलाव है पहले से इसकी जानकारी हम लें क्योंकि चुनाव के दरमियान एक्चुअल के समय इसमें कुछ कार्य करना है जो पहले हम लोग नहीं करते थे लेकिन अब करना है। जैसे यह जो मशीन है पहले इसका पावर कम था, इसके साथ मैक्सिमम अधिकतम 4 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता, लेकिन अब इस कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है, एक साथ 384 कैंडिडेट, 384 प्रत्याशियों का चुनाव हम करा सकते हैं। 384 प्रत्याशियों के लिए चुनाव हम करा सकते हैं नोएडा को लेकर। इनके लिए इस कंट्रोल यूनिट में जो आरओ सेक्शन था पहले जिसमें कैंडिडेट से और बैटरी एक में था, लेकिन अब इसको अलग अलग कर दिया गया। इसकी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीच में यदि बैटरी खराब होती है कंट्रोल यूनिट की तो बदलने का प्रावधान है, इसलिए जरूरी है कि हम कंट्रोल यूनिट की बैटरी को बदलना जानें। इसको कैसे बदला जाएगा, इसका बदलाव कैसे संभव है, कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी होगी। सबसे पहले तो हम पदाधिकारियों की उपस्थिति में यदि इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, कंट्रोल यूनिट की बैटरी डाउन हो जाती है, तो मतदान अभिकर्ता और पदाधिकारियों की उपस्थिति में, सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये जो सील है इसको हम तोड़ेंगे। यहाँ सील किया रहेगा और पदाधिकारी के सील को हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसको हम मशीन के इस भाग को खोलेंगे, जो पूर्व से लगाई गई है बैटरी, इस बैटरी को हम इसमें से निकाल लेंगे और एक नई बैटरी जो मुझे उपलब्ध कराई जाएगी, इस नई बैटरी को यहां
लगा देंगे, ये देख लेंगे यहां तीन कनेक्शन दिया हुआ है या छिद्र है। अगर छिद्र नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिए कि ये पैक किया गया है। इस पैक के नीचे, इस सफेद रंग के पैक के नीचे वो छिद्र है, और इसको इस तरह करेंगे हम लगाएंगे कि वो तीनों छिद्र इस में जाकर के बैठ जाए। पश्चात इस ढक्कन को हम बंद करेंगे और एक एड्रेस टैग से इसको सील करेंगे, और उस एड्रेस टैग पर पीठासीन पदाधिकारी जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनकी और मतदान कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज होगी, यानी उनका हस्ताक्षर इस एड्रेस टैग पर करा करके इस उसी एड्रेस टैग से इसे सील कर दिया जाए। बैलेट में जो चेंजिंग है इसको मैं बता देना चाहता हूं। बैलेट यूनिट पहले 4 लगता था और यह हमने बैटरी हैंडल 2 यूनिट की, ये इस एक बैटरी से ही 4 बैलेट यूनिट चल जाता, लेकिन अब पावर अधिक कर दिया है कंट्रोल यूनिट का, एक साथ 24 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक बैटरी से 24 बैलेट यूनिट नहीं चल सकता, तो प्रत्येक बैलेट यूनिट के बीच में एक बैटरी का खड़ा दे दिया, एक बैटरी के लिए स्थान निर्धारित कर दिया है। यदि 4 बैलेट यूनिट से अधिक लगता है, यानी कि आपके यहां 5 बैलेट यूनिट 6 बैलेट यूनिट लगता है, तो 4 बैलेट यूनिट तक तो नहीं, लेकिन जो 5वां बैलेट यूनिट है, यानी जिस बैलेट यूनिट के स्लाइड विंडो में 5 यूनिट हो, 0-5, उस बैलेट यूनिट के पीठ में हम वही बैटरी, बैटरी जो कंट्रोल यूनिट में लगती है, वही बैटरी यहां बैलेट यूनिट में लगाई जाएगी। ध्यान रहे कि इस बैटरी का प्रयोग हम 5वें बैलेट यूनिट के लिए करते हैं, और बैटरी जब लगा देते हैं तो इस बैटरी से 5, 6, 7, 8 नंबर तक का बैलेट यूनिट कवर हो जाएगा। जब फिर हम 9वां बैलेट यूनिट प्रयोग मिलाते हैं तब उसमें इस बैटरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि 5वां में, फिर 9वां में, इसी तरह से प्रत्येक बैटरी के बाद चलते हैं। ये जो हो गया बनावट, अब देखते हैं इसकी बनावट को। वीवीपैट में पहले वीएसयू था, लेकिन अब वो वीवीपैट हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि यदि आपके बूथ पर एक वीवीपैट उपलब्ध कराया गया है तो उसका यह जो स्विच है, काले रंग का छोटा सा स्विच, वह एक नंबर पर, उस जानकारी जो बीच में मुझे करनी है। अब हम लोग इसे मॉक पोल के लिए तैयार करें, कैसे तैयार करना है ईवीएम को, इस बात की जानकारी हम लोग। सबसे पहले एक्चुअल पोल से 1 घंटा पूर्व कम से कम 2 प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के समक्ष हम मॉक पोल के लिए मशीन को तैयार, ईवीएम को तैयार। यदि किसी कारणवश 2 प्रत्याशियों के अभिकर्ता उपस्थित नहीं है, मतदान अभिकर्ता, वैसी परिस्थिति में अधिकतम 15 मिनट प्रतीक्षा करेंगे हम। 15 मिनट के बाद पदाधिकारियों की उपस्थिति में, जितने पदाधिकारी यदि सूक्ष्म प्रेक्षक वहां उपस्थित हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित हो, तो उनकी उपस्थिति में हम लोग मॉक पोल के लिए मशीन को तैयार। मॉक पोल के लिए मशीन को तैयार करते समय सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट है, इसको हम उस स्थान पर रखेंगे जहां V3 के लिए स्थान निर्धारित किया गया है, क्योंकि मतदान पदाधिकारी के लिए बैठने के लिए वहां इसको रखेंगे, और ऐसी जगह वह स्थान हो जहां से पीठासीन पदाधिकारी इन कंट्रोल यूनिट पर अपनी नजर रखे।
और बैलेट यूनिट को हम लोग जो मत के लिए मत देने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है उस प्रकोष्ठ में ले जाएंगे और इस प्रकार रखेंगे कि बैलेट यूनिट दाहिने तरफ और वीवी पैट बाईं तरफ, यानी मतदाता यदि इधर खड़ा होकर जिस इस रूप में खड़ा होकर मत दे रहा है उसके दाहिने तरफ बैलेट यूनिट हो और बाईं तरफ वीवी पैट, और वीवी पैट का मुंह इसका जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन यह इसके बाद हम बैलेट यूनिट के स्लाइड को वीवीपैट के स्विच से जोड़ दें। या ध्यान रखेंगे इसमें कलर है, एक तरफ रेड है एक तरफ ब्लैक, और इसमें भी रेड और ब्लैक, तो हम रेड को रेड की तरफ और ब्लैक को ब्लैक की तरफ इसको लगाते हैं और इसका ढक्कन बंद करते हैं। इसके बाद हम लोग वीवी पैड के तार को खोल करके लंबा करके कंट्रोल यूनिट के से जोड़ते हैं, और यह भी उसी तरह से है लाल और काला रंग जिस तरह से बैलेट यूनिट के तार को हम जोड़े थे वीवी पैड से। कलर को देखते हुए रंग का समन्वय करते हुए हम तार को जोड़ देते हैं। जब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं जोड़ने के पश्चात हम सबसे पहले इसको ओरिजिनल जो क्षैतिज मोड में है इसका स्विच वीवीपैट का स्विच इसको हम लंबवत करेंगे यानी वर्टिकल मोड में कर देंगे। इसके करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के साथ ही वीवीपैट में सात पर्ची कटकर नीचे गिरेगी। 32 का वीवीपैट के स्क्रीन का बत्ती ऑन हो गया है और उसमें से वो सात पर्ची जो अनकाउंटेबल होती है इसकी गणना हम नहीं करते हैं काउंटिंग के समय, यह वीवीपैट के स्टेटस को दर्शाती है ये पर्चियां सातों पर्चियां। और जब सातों पर्ची गिर जाती है इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी और पीवल के साथ मतदान अभिकर्ता इस वोटिंग कंपार्टमेंट में जो वोट डालने के लिए कंपार्टमेंट बनाया गया है यानी जहां बैलेट यूनिट और वीवीपैट रखा हुआ है यहां मतदान अभिकर्ता और पीवल पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित होंगे। पीथ्री तृतीय मतदान पदाधिकारी जब देख लेंगे कि हमारे कंट्रोल यूनिट के स्क्रीन पर लिख दिया ईवीएम इज रेडी यानी कि ईवीएम अब मेरा तैयार हो गया, अब हम मॉक पोल करा सकते। तृतीय मतदान पदाधिकारी अपने कंट्रोल यूनिट जो उनके पास है कंट्रोल यूनिट वहां से पैलेट देने के साथ ही कंट्रोल यूनिट का बीजी लैंप चल जाएगा और जो लोग मतदान अभिकर्ता या पीठासीन पदाधिकारी या पीवन प्रथम मतदान पदाधिकारी हमारे वोटिंग कंपार्टमेंट में उपस्थित है उनके सामने एक बटन को दबाया जाए। और पहले नंबर का बटन जो हम दबाए तो यहां भी देख लेंगे कि जिस नंबर को मैंने दबाया है उसी नंबर की पर्ची वीवीपैट में
यही है कट करके दिखाई दिया है उसके स्क्रीन से और उसके बाद कट कर गिर गया साथ में। इस प्रकार हम कम से कम 50 मत का प्रयोग करेंगे मॉक पोल, कम से कम 50 मत लेकर के, और यह ध्यान रखेंगे कि जितने प्रत्याशी हैं नोटा लेकर के सभी बटन को दबा दिया जाए, यानी सभी बटन का प्रयोग 50 मत के अंदर कर लिया जाए, कम से कम 50 मत के। यानी उदाहरण के लिए मेरे सामने जो मशीन है, मेरे सामने जो बैलेंस शीट है, इसमें 16 प्रत्याशी के लिए लगाया गया है, आप देख रहे हैं, तो 16 प्रत्याशी के बटन को हम दबा करके और मत देकर देख लेंगे और इसे संतुष्ट करते जाएंगे, इसे देखते जाएंगे कि वीवीपैट का स्क्रीन वही पर्ची दे रहा है, वही पर्ची दिखा रहा है जिस बटन का प्रयोग मैंने किया है। पुनः देखते हैं, पहला दे दिया गया, अब हम दूसरे नंबर के बटन का प्रयोग करते हैं। पर्ची जो दिखाई दे रही है हमारी वीवीपैट में वह दूसरे नंबर की है, चुनाव चिन्ह भी वही है। इस प्रकार हम पूरे 50 मत का प्रयोग करेंगे कम से कम, और यह ध्यान रखते हुए कि जितनी भी खिड़कियां खुली हुई है, यानी जितने प्रत्याशी है हमारे नोटा को लेकर के, सभी बटन का प्रयोग हम कर लिए हैं, यह आश्वस्त होगा मतदान पदाधिकारी के लिए आवश्यक है। इसके बाद जब हम आश्वस्त हो लेंगे या मतदान कार्यकर्ता आश्वस्त हो लेंगे यह मशीन सही है जिसको मैंने मत दिया, पर्ची उसी की कटी, यहां तक तो उसने देख दिया, रिजल्ट को दिखाना अब मेरे लिए एक बात ध्यान देंगे कि हम लोग जब जब इस बटन को दबाएंगे तो जिस बटन का प्रयोग, जिस क्रम संख्या के बटन का प्रयोग हम करेंगे, हमारे प्रथम मतदान पदाधिकारी अपनी डायरी पर इसे लिखते जाएंगे कि किस प्रत्याशी के पक्ष में कितना मत का प्रयोग किया गया है, कितने मॉक पोल के लिए, मॉक पोल के समय कितने मत का प्रयोग किया गया है। अब हम पूरी पर्ची को यहां से बॉक्स में से निकाल लेंगे सबके सामने और इसकी गिनती कर लेंगे कि ये 7 पर्ची जो एक्स्ट्रा है उसको लेकर के 57 पर्ची है या नहीं, यानी कि 50 मत की और 7 पर्ची एक्स्ट्रा 57। तत्पश्चात हम टोटल बटन दबाकर, कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबा करके यह आश्वस्त हो लेंगे कि पूरा मत मेरा 50 है या नहीं। 50 टोटल बटन दबाकर के हम आश्वस्त हो लिए कि मेरे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर 50 मत प्रदर्शित किया जा रहा है, 50 मत ही दिया जाता है। उसके बाद हम इसके क्लोज बटन को दबा देंगे। जब क्लोज बटन दबाने के बाद, क्लोज बटन हम दबा देते हैं, उसके बाद सभी मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष मतदान पदाधिकारी रिजल्ट बटन दबा करके, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन को दबा करके यह देख लेंगे कि जिस बटन का, जिस प्रत्याशी पर मैंने जितना मत दिया है, जिस प्रत्याशी को या जिस बटन का प्रयोग मैंने जितनी बार किया है, उतना ही कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर दिखाया जा रहा है। और इसका भी निर्णय साफ साफ करते जाएंगे कि जो पर्ची गिरी है वह उतनी ही है जितना कि मैंने मत का प्रयोग किया है, जितनी बार जिस प्रत्याशी को, यानी कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर प्रदर्शित रिजल्ट, वीवीपैट से गिरी हुई पर्ची और दिया गया मत, तीनों बराबर बराबर होना चाहिए प्रत्याशी।
का जब मिलान कर लेते हैं हम, भी आ गया अमर, भी पैर से निकली हुई पर्ची और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर प्रदर्शित रिजल्ट एक समान है सारे मतदान अभिकर्ता और मतदान पदाधिकारी संतुष्ट हो रही है इस बात से। उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा करके सभी मत की संख्या को शून्य कर देते हैं। जब हम क्लियर कर देते हैं, मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देते हैं और इस ईवीएम में, इस मशीन में, इस कंट्रोल यूनिट में अब किसी के पक्ष में एक भी मत नहीं रह गया, इसके बाद हम ईवीएम को एक्चुअल पोल के लिए, वास्तविक मतदान के लिए तैयार करते हैं। मतदान की तैयारी के लिए आवश्यक है कि दो तीन चार तरह के पेपर चाहिए हमको, इसको हम देख लें। इसके लिए ग्रीन पेपर सील भी बोलते हैं इसको, स्पेशल टैग जिसे विशेष टैग भी कहते हैं और स्ट्रेप सील जिस पर ए बी सी डी लिखा होता है दोनों तरफ मिला करके और एड्रेस है। इतने सील वाले पेपर हमको रख लेना है और यह ध्यान देना है कि जिन जिन पेपरों से हम सील कर रहे हैं उसकी क्रम संख्या, सभी पर क्रम संख्या है सभी पर, और उसकी क्रम संख्या हम अपनी डायरी पर। इसके बाद हम ईवीएम की तैयारी एक्चुअल पोल के लिए शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में वीवीपैट के स्विच को वर्टिकल मोड से नहीं बदलेंगे, यह मतदान समाप्ति के बाद ही हॉरिजॉन्टल मोड में आएगा यानी क्षैतिज होगा। जब एक बार इसको हम वर्टिकल मोड में कर दिए, लंबवत कर दिए, तो फिर मतदान की समाप्ति के बाद ही इसे हम क्षैतिज करेंगे, इसे हम स्विच ऑफ करेंगे। का मिलान करने के बाद सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ कर देंगे। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देंगे। इस बीच में हम मॉक समय जो पर्चियां गिरी हुई है, संभाव पर्चियां, उनके पीठ पर मॉक पोल संबंधित मुहर लगाएंगे 57 पर्ची पर, और मुहर लगाने के पश्चात इन 57 पर्चियों को हम एक काले लिफाफे में बंद करेंगे। उस लिफाफे के ऊपर विधिवत विधानसभा संख्या, विधानसभा का नाम, बूथ संख्या का नाम और तिथि इंगित करते हुए लिखते हुए उस लिफाफे को एक प्लास्टिक के बॉक्स में जो मुझे प्राप्त होगा पहले से, वहां हम उस लिफाफे को उस बॉक्स में डालेंगे और उस बॉक्स में डालने के पश्चात पिंक पेपर सील से उस बॉक्स को इस प्रकार एक सील मिलेगा, पिंक पेपर, पिंक तरह का गुलाबी कलर का एक सील मिलेगा, उसको घुमा करके इस प्रकार से सील करेंगे कि बिना उस सील को तोड़े हम बॉक्स को नहीं खोल सकते। बॉक्स के ऊपर भी विधानसभा का क्रम संख्या, नाम, विधानसभा के क्रम संख्या और नाम के बाद बूथ का क्रम संख्या और बूथ का नाम और तिथि इंगित करते हुए उस बॉक्स को रखते हैं। वह बॉक्स कलेक्टिंग सेंटर पर ईवीएम के साथ ही जमा किया जाए। इसके बाद हम एक्चुअल पोल के लिए ईवीएम को तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए पुनः एक बार बता दें कि यह स्विच ऑफ किए बिना, कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ किए बिना किसी कीमत पर हम तैयारी शुरू नहीं करेंगे। जब ऑफ कर दिए,
इसके बाद हम सबसे पहले पेपर सील लेंगे। पेपर सील में जहां क्रम संख्या है, इस क्रम संख्या को पीठासीन पदाधिकारी और सभी पेपर के क्रम संख्या को पीठासीन पदाधिकारी अपने डायरी पर नोट भी कर लेंगे। इस क्रम संख्या के पीछे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर लेंगे और मतदान अभिकर्ताओं का भी हस्ताक्षर ले लेंगे पीठ पर, इसके सफेद भाग पर, और ग्रीन भाग पर मुहर लगा देंगे अपने बूथ संबंधित, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह किस बूथ का है। इसके बाद इस पेपर सील को हम सबसे पहले जो दो छिद्र दिखाई दे रहा है इसमें निर्धारित स्थान पर इसको घुसाने के लिए, इसको पैक करने के लिए स्थान निर्धारित है, और इसको इस तरह से जाते हुए हम इस प्रकार खिड़की के सामने लाएंगे कि उसका मुहर, जो मुहर लगा हुआ है उस संबंधी इस खिड़की से दिखाई दे, और इसके बाद इसको पुश करके हम दबा देंगे। दबाने के बाद धागा ले करके, और यहां एक छिद्र बना हुआ है, और इस छिद्र से हम धागे को इस तरह से धागा घुसा करके और इसको यहां गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद हम स्पेशल टैग लेंगे। स्पेशल टैग पर भी पीठासीन पदाधिकारी जहां सिग्नेचर का स्थान दिया हुआ है वहां सिग्नेचर करेंगे, और कंट्रोल यूनिट का नंबर यहां पर लिख देंगे कि कंट्रोल यूनिट का नंबर कितना है, और यहां मुहर भी अपना लगा देंगे। यदि मतदान अभिकर्ता यहां हस्ताक्षर करना चाहे तो ये भी हस्ताक्षर कर लेंगे। इसके बाद इस धागे का एक सिरा हम इस विशेष टैग, जिसको स्पेशल टैग भी कहते हैं, इसमें डालते हुए इस छिद्र में, और इसको बांध देंगे। इस पर लाह, थोड़ा सा लाह गिरा करके इस पर मेटल से उसको दबा देंगे, और इस प्रकार से इसको सील करेंगे कि क्लोज बटन इस कटे हुए भाग से दिखाई दे। और इसके बाद इसको हम पैक कर देंगे, इस बक्से को हम बंद कर देंगे। इस पेपर टैग से सील करने के पश्चात फिर इस बॉक्स को बंद करेंगे, और इसमें भी एक छिद्र है जहां से हम इस धागे को डाल करके इस पोर्शन को भी इस बांधेंगे, और उसका एक सिरा जिस प्रकार स्पेशल टैग में लगाकर हम सील किए थे उसी तरह से इस एड्रेस टैग में बांध करके धागे का एक सिरा यहां हम लाह गिरा करके इसे सील कर। इसके बाद बारी आती है स्ट्रिप सील की। कंट्रोल यूनिट अपनी तरफ करके और स्ट्रिप सील का एक वाला भाग हम इस प्रकार लगाएंगे कि वो मेरी तरफ, हमारी तरफ, सील करने वाले की तरफ दिखाई दे, और यहां गम लगा होता है, गोंद होता है। लगाने के बाद इस नीचे वाले पेपर सील के नीचे वाले भाग को हम इसमें सटा देते हैं। जब यह भाग सट जाता है तो बी वाला भाग दिखाई देता है, और इसको तुरंत हम ऊपर के पोर्शन पर सटा देते हैं, और जैसे ही इसे सटाते हैं सी वाला भाग, जहां सी लिखा हुआ है, यह पोर्शन ऊपर आ जाता है, और यहां से हम स्लीप को हटा देते हैं। गम दिखाई देने लगता है, यहाँ गोंद दिखाई देने लगता है, और फिर ऊपर वाला पेपर सील का ऊपर वाला भाग यहाँ हम सटा देते हैं सी वाले भाग को, और इसको राउंड करते हुए स्ट्रेप सील के दूसरे भाग को पकड़ करके और राउंड करते हुए हम जहां डी लिखा हुआ है इस भाग को हम इसके ऊपर सटा देते हैं। इस प्रकार हमारा ईवीएम एक्चुअल पोल के लिए तैयार हो जाता है। यह ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल पोल का समय जो निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, हम उसी समय कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे, बीच में नहीं। पर्ची निकालने के बाद एक्चुअल पोल से पहले हम वीवीपैट के पर्ची वाले भाग को इस बॉक्स
स्टॉक्स को एड्रेस टैग से, एड्रेस टैग यहां धागा लगा करके धागे से बांध देंगे, इसमें छिद्र है और छिद्र को धागे से बांध करके एड्रेस टैग लगा करके इसको सील कर। अब यह मशीन रेडी है, सुबह निर्धारित समय पर ईवीएम को ऑन किया जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में, ईवीएम के पार्ट कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में जो समय दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, यह समय यदि एक्चुअल समय से भिन्न है तो इसका दिखाया गया कंट्रोल यूनिट में दिखाया गया समय और एक्चुअल समय को हम अपनी डायरी में मेंटेन कर लेंगे और मतदान की समाप्ति के बाद भी इस एक्चुअल पोल के समय को हम दोनों कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए समय और एक्चुअल पोल के समय को डायरी में मेंशन कर देंगे। अब हम आते हैं बीच में आने वाली परेशानी होगी। एक्चुअल पोल के समय कभी कभी ऐसी समस्या, मशीन से संबंधित समस्या, ईवीएम से संबंधित समस्या आ जाती है। यदि कोई मतदाता आता है और यह दावा करता है कि मैंने जिस प्रत्याशी के बटन का प्रयोग किया है, जिस प्रत्याशी को मत दिया है, वीवीपैट उस प्रत्याशी के पक्ष में पर्ची नहीं गिरी है बल्कि दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में पर्ची गिरी, ऐसी परिस्थिति में आप उसे समझाएंगे उस मतदाता को कि ऐसा नहीं है, वोट खोल करके देख लिया गया, मशीन सही है। यदि इस पर भी पढ़ाई है तो आप यह बताएंगे कि यह ध्यान रखिए कि यदि आपका दावा गलत होता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फिर भी वह नहीं मानता है तो आप उसे इलेक्शन 24 इलेक्शन 24 में घोषणा करवाएंगे और फिर 17A रजिस्टर में पुनः उसको दर्ज करते हुए सबके सम्मुख, जहां मतदान कार्यकर्ता भी उपस्थित हों उनके समक्ष उन्हें मत देने को कहा जाएगा। और जब वह मतदाता दोबारा मत देगा तो उस समय आप सब लोग वीवीपैट से गिरी हुई पर्ची का मतदान करेंगे, मिलान करेंगे। यदि उसका दावा सही है, यानी वह जिस प्रत्याशी के पक्ष में मत दिया है और वीवीपैट से उस प्रत्याशी के पक्ष में पर्ची नहीं गिरी, तो ऐसी परिस्थिति में अविलंब आप इसकी सूचना अपने रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे और उनके निर्देशों का, उनके दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेंगे। यदि उस व्यक्ति का, उस मतदाता का आक्षेप गलत है, जिस पक्ष में, जिस मतदाता को, जिस प्रत्याशी को उसने मत दिया है और उसी प्रत्याशी की पर्ची गिरी है, वैसी परिस्थिति में आप 17A रजिस्टर के अभूति कारण में लिख देंगे कि अमुक व्यक्ति के पक्ष में मत डाला गया, दोबारा मत डाला गया, और इसको मत पत्र लेखा 17C में भी मेंशन करेंगे निर्धारित स्थान पर कि किस प्रत्याशी के पक्ष में दूसरे मत का प्रयोग किया गया एक ही मतदाता के द्वारा, इसका निर्धारण करना 17A में और 17C में अनिवार्य है। अब इसके बाद मतदान की समाप्ति के उपरांत जब मेरा समय समाप्त हो जाता है, मत का जो निर्धारित समय है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय जो निर्धारित किया गया है, मत की समाप्ति के बाद हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद फिर हम वीवीपैट के स्विच को ऑफ करेंगे और यह क्षैतिज पोजीशन में इसको कर देंगे। इसके बाद ही हम कनेक्शन को एक दूसरे से हटाएंगे, एक दूसरे से जो कनेक्ट किए हैं मशीन को, इसको हम लोग हटाएंगे, वीवीपैट को सीयू से अलग करेंगे और वीयू के कनेक्शन को वीवीपैट से अलग करेंगे। इसके बाद हम वीवीपैट की बैटरी को भी निकाल करके अलग
इस बैटरी को भी निकाल करके अलग कर लेंगे। हम सभी ईवीएम के सभी पार्ट उनके बॉक्स में रख करके सील करेंगे और निर्धारित बॉक्स में रख करके ईवीएम के प्रत्येक पार्ट को और इस पार्ट को हम इस बक्से को भी हम एंट्रेंस टैग से सील करेंगे। यहां धागा लगाने के लिए स्थान निर्धारित है, धागा लगा करके हम इसको बांधेंगे और एंट्रेंस टैग यहां लगा करके एक सिरा धागे का यहां बांध करके एंट्रेंस टैग लगा करके उसे सील कर देंगे। जो जो जहां जहां निर्धारित स्थान है यहां है और यहां, इसके बाद ठीक उसी तरह से और इसमें भी निर्धारित स्थान पर हम पायलट यूनिट को और इसको भी यहां पायलट यूनिट के बॉक्स में भी यहां छिद्र दिया गया है जहां हम धागे से बांध करके इसको और एड्रेस टैग लगा करके इसको सील कर देंगे। ठीक उसी प्रकार हम वीवीपैट को भी निर्धारित बॉक्स में रख करके सील कर देंगे।